हे फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एरे होती क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एरे के बारे में पढ़ा था। आज अपन थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं जो कि टाइप्स ऑफ एरे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरे क्या क्या हैं। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ एरे की, उससे पहले बात कर लेते हैं एरे होती क्या है, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो बेसिकली एरे क्या होती है, एरे कलेक्शन है जिसके अंदर हम सिर्फ ही सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इंट टाइप के एरे बना रहा हूँ तो सिर्फ ही सिर्फ मैं इंटीजर टाइप का ही एलिमेंट को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं कैर टाइप के एरे बना रहा हूँ तो सिर्फ ही सिर्फ मैं कैरेक्टर टाइप का जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ ही सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, ना कि हेट्रोजीनियस एलिमेंट को। तो ये था पहला पॉइंट। तो जो दूसरा पॉइंट है, ये है जो एरे होती है वो हमेशा जावा में ऑब्जेक्ट मानी जाती है, तो इसको हम हीप मेमोरी में स्टोर करते हैं। मतलब हम नहीं करते हैं, जो भी JVM होता है, जो भी मैकेनिज्म होते हैं जावा के अंदर, तो हमेशा उसकी मदद से जो भी एरे होती है, जब जो भी एरे हम क्रिएट करते हैं वो हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर करी जाती है, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है। जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट बनी जाती है तो सारे के सारे हीप मेमोरी में स्टोर करी जाती है। जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो एरे होती है उसका जो इंडेक्स होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स एंटर करा एरे में जो कि 1, 2, 3 और 4, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ जो चारों एलिमेंट है एक एरे में स्टोर हो जाए। तो सिंपल क्या होगा, जो 1 है तो ये जो 1 है ये स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 0 पर, ठीक है। जो 2 है ये स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 1 पर, 3 स्टोर होगा 2 पर, तो जो 4 स्टोर होगा 3 पर। यानी कि हम एक ऐसे कह सकते हैं जो भी एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जितने भी एलिमेंट होती है वो स्टोर करी जाती है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर अगर बात करें एरे की लेंथ का, तो यहाँ पर एरे की लेंथ क्या है, एरे के एलिमेंट जितने होते हैं, मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर करी जाती है एरे की लेंथ उतना ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट स्टोर करा है, यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट स्टोर करे हैं, तो एरे की जो लेंथ है वो है 4, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट की बात करें तो एरे की जो साइज होती है हमेशा फिक्स्ड रहती है, मतलब फिक्स्ड साइज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक बार एरे को क्रिएट कर लेता हूँ उसके बाद ना कि मैं एरे को जो साइज है उसको इंक्रीज कर पाऊंगा ना कि उसको डिक्रीज कर पाऊंगा। तो ये एक एरे का डिसएडवांटेजेस है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो प्रॉब्लम है, मतलब फिक्स साइज, तो इसको मैं फेस ना करूं, तो सिंपल हम कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं कलेक्शन क्या क्या है। तो एरे भी कलेक्शन है, लेकिन इतना यूज नहीं करी जाती है एरे को जब हम बड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे। यहाँ पर एरे लिस्ट का यूज करी जाती है, वेक्टर का यूज करी जाती है। एरे का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एरे है वो फिक्स साइज है। यहाँ पर अगर मान लो कि मैंने 10 साइज का एरे बनाया, ठीक है, अगर मान लो मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज है 10, तो मैं इसको फर्दर इसको ना कि इंक्रीज कर पाऊंगा ना कि इसको डिक्रीज कर पाऊंगा। यानी कि जो 10 है वो हमेशा 10 ही रहेगा, यानी कि जो एरे की साइज है वो फिक्स है। तो ये था, हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था ये था उसका एक ओवरव्यू। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये चीज़ें क्या हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट करी जाती है, तो प्लीज़ जाकर जो इसका प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले पूरी एरे के बारे में, बेसिकली हम एरे को यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरे, यानी कि जावा में एरे कितने तरीके की यूज करी जाती है। बेसिकली जो एरे हैं वो दो तरीके के हैं। जो पहला है वो है 1-डायमेंशनल, यानी कि सिंगल डायमेंशनल इसको बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ये जो सिंगल डायमेंशनल है या 1-डायमेंशनल है, यहाँ पर सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल है यहाँ पर हम मोर देन 1 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1-डायमेंशनल एरे, यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे। तो चलिए देख लेते हैं 1-डायमेंशनल एरे होती क्या है। इसको हम कहीं ना कहीं सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। तो अभी बात करते हैं 1-डायमेंशनल एरे होती क्या है। इसका नाम से पता लग रहा है 1-डायमेंशनल एरे में सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी हम एरे का यूज करते हैं हमेशा हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते हैं, ताकि जो भी एरे को हम डोनेट करें उसको हम स्क्वायर ब्रेसेस से डोनेट करते हैं, ताकि जो कंपाइलर है उसको पता चले कि ये एक एरे बना हुआ है। तो सिंपल है, हमेशा हम एरे को डोनेट करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से। तो जो 1-डायमेंशनल एरे है ये यूज होता है सिंगल एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे में। अगर मैं चाहता हूँ ये जो 1 है वो स्टोर हो जाए, एक सिंगल एलिमेंट है 2 भी स्टोर हो जाए, 3 भी स्टोर हो जाए, मतलब एक तो कलेक्शन में एलिमेंट है लेकिन एक एक करके यहाँ पर स्टोर होंगे। यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके यहाँ पर जो भी एलिमेंट है एक एट ए टाइम स्टोर नहीं हो सकते। यानी कि हम पहले एक एक करके एलिमेंट को स्टोर करेंगे, इसको हम एक इंडेक्स में रखेंगे। जो 1 का इंडेक्स है ये 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है, 3 का इंडेक्स 2 है। तो कुछ इस तरह से हम एरे में, यानी कि जो सिंगल डायमेंशनल एरे में, कुछ इस तरह से हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो 1-डायमेंशनल एरे है यहाँ पर सिर्फ ही सिर्फ हम सिंगल एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 बाय 1। यहाँ पर कुछ इंडेक्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर करा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये एलिमेंट को मैं एरे में स्टोर करना चाहता हूँ। अगर ये 1-डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टोर होगा। यहाँ पर जो भी सारे एलिमेंट्स है
उनको एक इंडेक्स दी जाएगी एरे की तरफ से, जो कि वन का जो इंडेक्स है वो जीरो है, जो टू का इंडेक्स है वन है, मतलब ऐसे बढ़ बढ़ के जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम वन डायमेंशनल एरे को कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जो वन डायमेंशनल एरे है उसका सिंटेक्स कैसा है, कि हम इसको कैसे डिक्लेयर करें। तो अगर बात करें सिंटेक्स की तो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर रहती है डेटा टाइप, ठीक है। फिर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कि जब भी हम एरे में काम करते हैं एरे को हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस से ही डोनेट करी जाती है। तो यहाँ पर मैंने करा स्क्वायर ब्रेसेस ताकि कंपाइलर जो उसको पता चले कि हम एरे में काम कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर डेटा टाइप के बाद जो भी एरे है उसको हम क्रिएट करते हैं। एरे क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एरे का नाम दी जाती है, तो यहाँ पर करते हैं हम नेम ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये होती है एरे की सिंटेक्स, यानी कि पहले था डेटा टाइप, फिर एरे को हम क्रिएट करते हैं, फिर उसका कुछ नाम रखते हैं। तो ये था इसका सिंटेक्स। तो अभी बात करते हैं कि एरे को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हम एरे को कैसे जावा की प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं एरे का कुछ सिंटेक्स होती है कुछ इस तरह से। तो ये जो सिंटेक्स है उसके हिसाब से हम एक एरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, यहाँ पर पहले हम डेटा टाइप को लेते हैं, तो मैंने करा इंट, फिर हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते हैं ताकि जो कंपाइलर उसको पता चले कि हम एरे को यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एरे क्रिएट हो चुका है, जो भी एरे है वो है इंट टाइप के एरे, ठीक है। फिर हम एरे का नाम जो होते हैं वो रखते हैं, मतलब एरे का नाम क्या है कुछ भी रख सकते हो, आपका नाम भी रख सकते हो, ऐसे कोई रूल नहीं है कि एरे की जो नाम है कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो मैं रखा ए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एरे को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एरे है यहाँ पर मेरा बन चुका है। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो है इंट, तो फिर हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं ताकि एरे जो क्रिएट हो जाए। यहाँ पर मैंने बनाया इंट टाइप के एरे, फिर उसके बाद जो भी एरे का नाम है उसको मैंने यहाँ पर रखा ए। कुछ इस तरह से हम एरे को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ इस तरह से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका एरे को क्रिएट करने का, एरे को डिक्लेयर करने का। जो दूसरा तरीका है कुछ इस तरह से, ये है इंट, मतलब पहले हम डेटा टाइप लेते हैं, फिर इंट, फिर हमारा जो एरे की नाम होती है उसको हम डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उसका एरे क्रिएट करते हैं। यानी कि जो ये जो लाइन है, जो पहला लाइन है, मतलब ये जो पहला लाइन है इसका मतलब जो है जो दूसरा लाइन है उसका भी मतलब वही है। अगर मैं इस तरह से डिक्लेयर कर रहा हूँ तभी भी कोई एरर नहीं आएगा, ये एक तरीका है। ये दूसरा तरीका, हम कोई भी तरीके से हम एरे को डिक्लेयर या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा तीसरा तरीका क्या है एरे को डिक्लेयर करने का। तो तीसरा तरीका है वो कुछ इस तरह से होती है, फिर हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर स्पेस दिया, फिर मैंने क्रिएट करा एरे को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी पहला डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा टाइप है उसके साथ साथ हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एरे का नाम रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं डेटा टाइप को क्रिएट करा, फिर उसका नाम रखा, फिर मैंने एरे को क्रिएट करा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद पहले डेटा टाइप को मैंने डिफाइन करा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेस दे के मैंने एरे को क्रिएट करा, फिर उसका नाम रखा, तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। जो भी रिकमेंडेड है वो है ये जो पहला वाला है, ये रिकमेंडेड है, मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ रिकमेंडेड, ठीक है। ये जो पहला है ये रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम रखते हैं हम। मान लो कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने के बाद लड़का है तो लड़की, उसके हिसाब से हम उसका नाम रखते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी होता है, मान लो हम सिर्फ इसका ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक एरे को पैदा करा, यानी कि एक एरे को मैंने क्रिएट करा, यहाँ पर है इंट एरे, मतलब जो एरे है इंट टाइप का है, यहाँ पर जो एरे है वो क्रिएट हो चुका है। एरे क्रिएट होने के बाद फिर हम यहाँ पर उसका नाम रखते हैं, ताकि हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं एक सही तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, पहले एरे को क्रिएट करो फिर उसका बाद उसका नाम रखो। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले चीज़ें निकलते हैं फिर उसका बाद उसकी नामकरण करी जाती है। इस तरह से पहले हम एरे को क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद उसका नाम रखते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो है रिकमेंडेड है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जावा की तरफ से कहा जाती है कि जो ये जो है ये रिकमेंडेड है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम जावा में प्रोग्राम करते हैं, सिंपल हम मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरह से, करते हैं पब्लिक, ठीक है, फिर हम करते हैं स्टैटिक, फिर हम करते हैं वॉइड मेन, ठीक है, कुछ इस तरह से हम जावा की मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं अगर आपको याद हो तो। फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर हम करते हैं वेरिएबल के नाम जो कि ARGS। तो यहाँ पर हम एरे कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर जो है मेन मेथड में हम यहाँ पर एरे को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पर हम किस तरह से एरे को क्रिएट कर रहे हैं, पहले हम स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरे बना रहा हूँ मेन मेथड के अंदर जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे, फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल को या कोई एरे का जो नाम है उसको डिक्लेयर करते हैं जो कि ARGS, तो ठीक है। तो ये था एक रिकमेंडेड वर्सन ऑफ डिक्लेयरिंग एरे, कि हम किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं इस तरह से करता हूँ ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ताकि जो भी यूजर इसको देखे तो उसको सही से समझ आ जाए। तो ये दो तरीके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम कर भी रहे हैं तो कोई भी एरर इसमें नहीं आएगा। आप ये तीनों के तरीके से कोई भी तरीके का यूज कर सकते हो। तो ये तो होगी बात एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं रियल लाइफ में।
अब हम बात करते हैं एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, जो भी एरे है वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एरे को हम आज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा के प्रोग्राम में। तो हम कह सकते हैं ये जो एरे है हमेशा न्यू कीवर्ड की मदद से ही क्रिएट करी जाएगी, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम जावा में क्रिएट करते हैं हमेशा न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से एरे को बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं चाहता हूँ जो एरे है मेरा, ठीक है, ये जो एरे मैं बनाना चाहता हूँ ये कुछ एक पर्टिकुलर साइज का बने, यानी कि जो एरे है ये साइज का, जो एरे का साइज हो 5 हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक एरे बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं अपने 5 एलिमेंट को स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, एक 5 साइज का एरे बना दूंगा, तो जो भी मेरे 5 एलिमेंट हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक एरे बनाने के लिए जो कि जिसका साइज 5 होना चाहिए। तो ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा, अगर हम सी और सी प्रोसेस की बात करें, अगर हम स्पेशल सी की बात करें, तो हम एरे को कैसे क्रिएट करते थे, हम एरे को सिंपल इन टाइप का एरे बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, एरे के नाम, तो एरे के नाम मतलब कुछ भी ले सकते हैं, मैंने करा ये, फिर हम डिक्लेयर करते थे 3, मतलब या 5, कुछ भी जो एरे की साइज है उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते थे। तो ये था एक प्रोसीजर जहाँ पर हम सी में यूज करते थे एरे को बनाने के लिए, लेकिन जावा में हम इस तरह से एरे को नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया था कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पहले हम करते हैं इंट जो कि डेटा टाइप होती है, तो फिर हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस का, ताकि जो एरे है वो क्रिएट हो जाए, फिर हम कि वेरिएबल का नाम रखते हैं, एरे का नाम रखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम एरे को क्रिएट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा एरे है वो 5 साइज का क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसका साइज मेंशन करा जो कि है 5, फिर ए, क्या ये सही है। तो अगर मैं सी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जावा में कुछ इस तरह से एरे को क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर एरर ही शो करेगा, क्योंकि तो जावा की प्रोग्राम में हम एरे को कुछ इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे एरे की साइज है, मतलब 5 साइज का एरे क्रिएट हो जाए, तो एरे को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का मदद जो उसको लेनी पड़ती है। तो हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं सिंपल इंट एरे किस तरह का बनाना चाहता हूँ, इंट की एरे, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर रखते हैं एरे के नाम या जो वेरिएबल के नाम है इंट एरे ए, तो फिर यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं न्यू कीवर्ड, ताकि एरे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमेशा न्यू कीवर्ड की मदद लेनी पड़ती है। तो न्यू इंट, फिर हम यहाँ पर साइज जो भी साइज उसको यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरह से प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम डेटा टाइप को लेंगे, डेटा टाइप को लेने के बाद यहाँ पर हम एरे क्रिएट करेंगे, एरे क्रिएट करने के बाद एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे या एरे के नाम कह सकते हैं उसको हम, तो जो कि ए, फिर न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एरे की, फिर जो भी उसका साइज होगा यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर जावा में एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि हम जावा की प्रोग्राम में कैसे एरे को हम इंप्लीमेंट करते हैं और एरे के अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। तो जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पर सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको पहले सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा एरे डॉट जावा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में एक एरे क्रिएट करने का जिसका साइज होगा 5 और उसके अंदर मैं 5 एलिमेंट को स्टोर करना चाहता हूँ, उसको कंसोल पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो ठीक है, पहले जब भी हम जावा की प्रोग्राम करते हैं हमेशा क्लासेस शुरू होते हैं, तो यहाँ पर मैंने करा क्लास, तो क्लास और फाइल की नाम सेम होनी चाहिए, आप डिफरेंट भी कर सकते हो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रिकमेंडेड है क्लास और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करा एरे, ठीक है, फिर यहाँ पर हम जो क्लास की बॉडी उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मेन मेथड। तो मेन मेथड कुछ इस तरह से होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS। तो यहाँ पर भी एक एरे बना हुआ है, स्ट्रिंग की एरे बनी हुई है जिसका नाम है ARGS, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वो है ARGS। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एक एरे बनाता हूँ जिसका साइज होगा 5, उसके अंदर में 5 जो एलिमेंट होंगे उसको मैं स्टोर करूँगा और इसको मैं कंसोल पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यानी कि जो भी एरे के एलिमेंट होंगे, जो भी 5 एलिमेंट होंगे एरे के अंदर, उसको मैं कंसोल पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो सिंपल है, तो मैंने आपको बताया था एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ पर डेटा टाइप लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर जो भी इन टाइप का डेटा टाइप है उस तरह के हम यहाँ पर मैंने एरे क्रिएट करा। तो यहाँ पर मैंने जो भी रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे का नाम है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पुट करा इंट एरे ए। तो एरे को क्रिएट करने के लिए, हालांकि जो एरे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा हम न्यू कीवर्ड की मदद से एरे को क्रिएट करेंगे। तो मैंने करा न्यू इंट, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर जो भी एरे की साइज है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर जो एरे है वो बन चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये जो एरे है उसका पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 5 साइज का एरे बना रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स कुछ इस तरह से होगा, पहले आएगा 0, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। तो ये होंगे 5 इंडेक्स। हमेशा जो भी एरे की इंडेक्स होती है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करते हैं, जो भी एरे होगा उसका जो 0th इंडेक्स होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से करते हैं, जो भी एरे होगा उसका जो 0th इंडेक्स होगा, यानी कि F0 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने स्टोर करना चाहता हूँ 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर सेमी कोलन का यूज करा ताकि ये जो स्टेटमेंट एंड हो जाए, तो फिर A of 1,
यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पर मैंने स्टोर करना चाहता हूँ 2 को, ठीक है। 2 नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर 20 को स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टोर करना चाहता हूँ एफ 2 पे, यानी जो थर्ड इंडेक्स है यहाँ पर मैंने स्टोर करना चाहता हूँ 30 को, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमी कॉलन, फिर एफ 3 कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर स्टोर करते हैं 45 को। कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, एफ 4 तो यहाँ पर मैंने स्टोर करना चाहता हूँ 78 को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने एक एरे क्रिएट करा जिसका साइज है 5। तो यहाँ पर मैंने जो 5 एलिमेंट है इसको मैंने स्टोर कर चुका हूँ, जो कि 1, 20, 30, 45 और 78 यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। तो इसको कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए इनकी जो एरे के एलिमेंट है इसको तो हम एक ही बार में प्रिंट नहीं करा सकते, तो जो भी एरे का एलिमेंट है उसको मैं चाहता हूँ एक ही बार में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक लूप क्रिएट करा ताकि एक रिपीटेटिव प्रोसेस में चीज़ें एग्जीक्यूट हो, मैंने करा फॉर, ताकि जो भी मेरे एरे के एलिमेंट है वन बाय वन आके कंसोल पे शो हो जाए। तो यहाँ पर जो भी एरे के एलिमेंट होती है इसको हम एक इंडेक्स में स्टोर करती हैं, यानी कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करा जिसका नाम है आई इंट आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 इसलिए कर रहा हूँ, जो भी इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होती है। तो ये जो एरे की इंडेक्स है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ फॉर लूप के अंदर, ठीक है। मतलब ये पहले 0 है, फिर बढ़ के 1 हो जाएगा, फिर बढ़ के 2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ बढ़ के इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको आई प्लस प्लस डिक्लेयर करा ताकि ये जो आई की वैल्यू है हमेशा बाय वन इंक्रीज होता रहे। तो आई प्लस प्लस की मदद से चीज़ें बाय वन इंक्रीज होती है। तो ये जो लूप है मैं कहाँ तक चलाना चाहता हूँ, ये जो लूप है मैं चलाना चाहता हूँ जो भी एरे की लेंथ होगी वहाँ तक, मतलब एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है 5। तो मैं चाहता हूँ जो लूप है 5 तक चले। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा आई लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी कॉलन, तो यहाँ पर लूप बन चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये जो 5 है इसकी जगह मैं कर लूँ एरे की लेंथ, क्योंकि जो भी एरे की लेंथ होगा वहीं तक ही चलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने करा ए डॉट लेंथ। तो लेंथ एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम एरे की जो भी लेंथ होगी उसको नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है एरे डॉट लेंथ वहीं तक ही लूप चलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट करा फॉर लूप की बॉडी। तो बॉडी क्रिएट होने के बाद यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ पर प्रिंट करते हैं। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कर ही लेते प्रिंट एलन, यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ। तो इसीलिए कर रहा हूँ जो भी एलिमेंट होगी एरे की वो एक लाइन पे शो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से करा, मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पर स्पेस के लिए कुछ इस तरह से मैंने करा। फिर यहाँ पर हम करते हैं प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। तो पहले से समझते हैं प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ आई, यानी कि जो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 क्या है, ए ऑफ 0 है 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम प्रिंट करेंगे 1, ठीक है। 1 प्रिंट होने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा। लूप हमेशा यूज करी जाती है रिपीटेटिव एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर जो लूप जब ऊपर जाएगा ए ऑफ 0 था, मतलब आई का वैल्यू 0 था, ये यहाँ पर बढ़ के 1 हो जाएगा, यानी कि आई प्लस प्लस की मदद से ये जो आई की वैल्यू है ये बढ़ के 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद यहाँ पर आके कंडीशन को चेक करी जाएगी कि जो 1 है ये लेंथ से छोटा है या नहीं। हाँ जी भाई, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि जो एरे की लेंथ है वो 5 है, लेकिन जो भी हमारा इंडेक्स है 1 है। तो जाहिर सी बात है 1 5 से छोटा ही है। तो अगर 1 5 से छोटा है, हम नीचे आएंगे, यानी कंडीशन ट्रू है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो ए ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, वो एक ए ऑफ 1 है 20। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे 20 को। तो ए ऑफ 1 था, फिर ऊपर जाएगा, ए 1 बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है हम नीचे आएंगे, जाहिर सी बात कंडीशन ट्रू ही होगा, 2 5 से छोटा ही है। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये अब 2 क्या होता है, 30 होता है। तो ऐसे कर करके यहाँ पर सारे जो भी एलिमेंट्स हैं एरे को यहाँ पर प्रिंट कर दी जाएगी, यानी कि 30, फिर 45, फिर 78, कुछ इस तरह से ये जो प्रोग्राम है काम करेगा। तो इसको मैं सिर्फ हटा रहा हूँ। तो पहले ना इसको पहले सेव करते हैं ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो मैंने इसको सेव करा, फिर CMD ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर CMD, तो ये सबसे आसान तरीका है CMD ओपन करने का। तो CMD ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं, मैंने करा जावा सी एरे, जो कि फाइल का नाम है array.java। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी प्रोग्राम है बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जावा एरे, जो कि एक क्लास का नाम, हमेशा रन टाइम में क्लास की नाम यूज होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी एलिमेंट्स हैं एरे का वो सिंपल यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी कि 1, 20, 30, 45, 78, ये सारे जो थे हम यहाँ पर एरे में स्टोर कर रहे थे ये सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जो एलिमेंट है 1, 20, 30, 45, 78, तो यहाँ पर भी वही 1, 20, 30, 45, 78। तो कुछ इस तरह से हम एरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, और जो भी एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर हो रखा है उसको हम कंसोल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हम तो प्रोग्राम सही बन गया, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो भी प्रोग्राम है, जो भी लाइन्स है, लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो इतनी कोड की प्रोग्राम बने। अगर मैं चाहता हूँ ये जो 5 जगह के यहाँ पर 20 एलिमेंट हो,
तो कोड और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जो भी यूजर है, तो जो भी प्रोग्रामर है, उसको एरे की जो इंडेक्स है उसको डिफाइन करना ना पड़े। तो मैं सिंपल इसको हटा रहा हूँ, इसको एक ही लाइन में मैं चाहता हूँ इस सारे चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपल कुछ इस तरह से करता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो न्यू इंट ऑफ 5 है, मतलब यहाँ पर साइज जो है उसको डिफाइन यहाँ पर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इंट एरे ए, ठीक है। तो जो भी हमारा मन करे एलिमेंट यहाँ पर इसको स्टोर करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर करा, जो भी एलिमेंट्स हैं, 1 था 1, फिर हमने स्टोर करा 10 को, कुछ भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, 54, 89, 98। तो ये थोड़ा आसान लग रहा है मेरे को एलिमेंट स्टोर करते वक्त। हम कुछ इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करा जो कि इन टाइप का एरे, जिसका नाम है ए, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका नाम है ए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं एंटर करवाना चाहता हूँ, जो कि 1, 10, 54, 89 और 98। तो मैं चाहता हूँ ये जो एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, वो कंसोल पे शो हो जाए। तो अगर हम इसको इस प्रोग्राम को प्रीवियस प्रोग्राम में कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो लाइन्स ऑफ कोड हैं ये रिड्यूस होता जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर पहले क्या कर रहा था, मैं पहले कर रहा था ए एफ 0 = 1, ए एफ 1 = 10। तो मैं जो भी इंडेक्स है वो मैं खुद ही डिफाइन कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ जो भी एलिमेंट्स मेरे को स्टोर करवाना है, जो भी एलिमेंट्स मेरे को एरे के अंदर स्टोर करवाना है, उस एलिमेंट्स को सिंपल मैं टाइप कर रहा हूँ और अपने आप एरे में स्टोर हो जाएंगे। इनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स भी गिवन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, मतलब कंपाइलर के द्वारा। यानी कि जो 1 है वो 0 इंडेक्स में होगा, जो 10 है फर्स्ट इंडेक्स में होगा। तो कुछ इस तरह से, तो पहले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको पहले कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी एलिमेंट हमने स्टोर करा था, तो वही एलिमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि 1, 10, 54, 89, 98। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हम कुछ इस तरह से एक ही लाइन पे एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हो वो कंसोल पे डिस्प्ले हो जाए। तो चलिए कुछ लूप होल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे में यूज करी जाती है। जो पहला लूप होल है ये है कि अगर मैं यहाँ कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, मैंने करा इंट, यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करा, इंट एरे, फिर ए और बी, यहाँ पर सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करा हूँ सिंपल भाषा में। तो ये जो ए है ये तो एरे है, लेकिन ये बी क्या है? बी एरे है या एक वेरिएबल है, या ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है? एक बार स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि अगर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट एरे फिर ए और बी, तो क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ए है, यहाँ पर जो भी ए है ये भी एक एरे है, ठीक है, और जो बी है ये भी एक एरे है। क्यों है इसके अभी बात करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, एक जावा की एक रूल है कि स्क्वायर ब्रेसेस के आगे अगर कोई भी वेरिएबल है, यानी कि ए बी सी डी कुछ भी हो, वो ए भी एक एरे होगा और बी भी एक एरे होगा, सी भी एक एरे होगा, इसके बाद जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबको हम एरे बोलेंगे। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये जो है, ये जो पूरा लाइन है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी कि जो ये भी एरे है और बी भी एरे माना जाता है। तो चले देख लेते हैं, तो दूसरा लूप होल क्या है। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट, फिर मैंने यहाँ पर एरे की जो नाम है उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, फिर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा बी। क्या ये गलत है या सही है? ये एक बार स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि ये अगर ये गलत है तो इसमें क्या गलत है, अगर सही है तो क्या सही है। मतलब अगर हम मैं कुछ इस तरह से करूँ जावा के प्रोग्राम में, क्या मेरे को कंपाइल टाइम एरर आएगा या प्रोग्राम चल जाएगा? तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो ए है, इसको कंपाइलर मानेगा ये एक एरे है, ठीक है। लेकिन ये जो बी है ये एक सिंपल वेरिएबल है, जो कि इन टाइप के वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, जो भी ए है ये एक एरे है और जो बी है वो एक वेरिएबल है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब भी आप इन दोनों सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कौन से एरे है और कौन से वेरिएबल है। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट की एरे, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट की एरे ए इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू इंट ऑफ 0, ठीक है। क्या ये सही है? मैंने एक एरे क्रिएट करा जिसका साइज है 0, क्या ये सही है या नहीं? एक बार स्क्रीन को पॉज करे सोचिए कि इसमें कोई एरर आएगा या चल जाएगा। मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल चल जाएगा। इसको एक बार प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। तो सिंपल मैं सारी चीज़ों के यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर करा था इंट, इंट के एक एरे बनाया था मैंने, इंट एरे ए इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, एरे का साइज यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, मेरा 0। तो यहाँ पर बस इतना ही करते हैं। तो इसको मैंने सेव करा, देखते हैं इसमें कोई एरर आ रहा है कि नहीं। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर न्यू की जो स्पेलिंग उसका गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर करते हैं न्यू इंट ऑफ, तो अभी ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं।
जावा सी एरे डॉट जावा, तो यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है जावा एरे। तो यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करा, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो है बिल्कुल सही है, इसमें ना कि कोई कंपाइल टाइम एरर आएगा ना कि कोई रन टाइम एरर आएगा। तो अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, जीरो घटा के मान लो कि मैंने कुछ से करा, मैंने करा माइनस टू, ठीक है, क्या ये चल जाएगा या इसमें कोई एरर आएगा? इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें रन टाइम एरर आएगा। एरर नहीं कर सकते, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। शायद ये आ सकता है कि नेगेटिव साइज्ड करके कुछ एक्सेप्शन आएगा इसमें, तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो अब देख पा रहे हो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें जो कंपाइल टाइम एरर है इसमें कोई नहीं है, तो लेकिन ये रन टाइम एरर ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि एक एरर थ्रो हो रहा है, जो कि नेगेटिव एरर साइज एक्सेप्शन, यानी कि ये एरर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। तो हम कह सकते हैं ये कंपाइल हो रहा है, रन नहीं हो रहा। तो ये था कुछ लूप होल सिंगल डायमेंशनल एरे का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगा कि एरे होती क्या, एरे को हम क्यों यूज कर रहे हैं, एरे को जावा की प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको शायद पता चल चुका होगा एरे के अंदर हम कैसे एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो अगर आपको लगता है ये लेक्चर कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है चीज़ों को सीखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी सारी चीज़ों के बारे में पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।